कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा लग रहा है हमारा शो? वेल थैंक यू सो मच, आप हमारे शो को बहुत पसंद कर रहे हैं। सो यस, वेलकम टू येट अनदर डिलीशियस एंड वंडरफुल एपिसोड ऑफ नागपुर पूर्णामा मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। सो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि पूर्णामा में मैं आज शॉपिंग एरिया में क्या करी। वेल, शॉपिंग जब आप करने आते हैं तब वहां पर आपको लगती है ढेर सारी भूख। अब भूख लगती है तो शॉपिंग एरिया में आपको बहुत सारा खाना ढूंढने को मिलता है। बट यहाँ पर मैं आई हूँ एक ऐसे शख्स से मिलने जो 1985 यानी कि करीब करीब 32-33 सालों से ये स्टॉल चला रहे हैं, और वो हैं मेरे फेवरेट यानी जेठालाल के बहुत बड़े फैन। वेल, जेठालाल को क्या पसंद है? जलेबी और फाफड़ा। और जेठालाल की वजह से ही जलेबी फाफड़ा जो है वो लोगों की एक पसंदीदा ब्रेकफास्ट बन चुका है। और उनके पास और क्या मिलता है? और आप जब इतवारी मार्केट, बिकॉज इतवारी मार्केट इज़ वन ऑफ द मार्केट जहाँ पर सेंट्रल मार्केट इसे कहा जाता है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। यू जस्ट नेम इट एंड यू विल गोना हैव इट हियर। तो शॉपिंग एरिया करते कि शॉपिंग एरिया में आते आते और इतवारी में आने के बाद आपको कहाँ आना है, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं आई हूँ जेठालाल के सबसे बड़े फैन यानी हमारे नागपुर के जोशी भैया से मिलने। भैया कैसे हैं? बढ़िया। जेठालाल कैसे हैं? बढ़िया। जेठालाल तो हमेशा मस्त रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर करीब करीब 32 साल हो गए आपको? 40 साल हो गए। 40 साल से, ये मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, 40 साल से ये स्टॉल चला रहे हैं। आपके फादर ने शुरू किया था ये स्टॉल, है ना? मम्मी और पापा ने शुरू किया था, दादी भी यहाँ पर पूरा सपोर्ट करती है अपने बेटे को। जेठालाल के फैन कब से हैं? पहले से कि अभी अभी आप फैन बने? वो तो 13 साल से देख ही रहे कंटिन्यू, पहले से चालू है। हाँ, मिले हो कभी जेठा भैया से? नहीं, वीडियो कॉलिंग पे एक बार बात हुई है बस। और क्या चाहिए? जेठा भैया से वीडियो कॉलिंग। जेठालाल की वजह से ही ना ये फावड़ा जलेबी का जो है ना क्रेज लोगों में बढ़ गया है, क्योंकि इतना लोगों को पता नहीं था जब से उन्होंने प्रमोशन किए फाफड़ा जलेबी का। मतलब जेठालाल को फाफड़ा और जलेबी खिला दो तो भैया सब खुश हो जाते हैं। जेठालाल की पूरी फैमिली और उनके पूरा परिवार, गोकुल धाम का जो परिवार है वो भी जलेबी फाफड़ा बहुत ही दिल से खाता है। और यहाँ पर जलेबी फाफड़ा बन रहा है मेरे सामने, कैसे बनता है आपको दिखाती हूँ। दादी भी बनाती हैं, बेटे भी बनाते हैं जलेबी फाफड़ा। वैसे ये शॉपिंग एरिया बहुत बड़ा है हमारे नागपुर का, इतवारी बोले तो सेंट्रल मार्केट हो जाता है। कि कब शुरू करते हैं, कितने बजे से शुरू करते हैं? वैसे 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, सुबह 8 बजे और 8 बजे तक के रहता है। ओके, और ये सारी प्रिपरेशन अभी बच्चों की क्लासेस चालू हो गए तो अभी थोड़ा 9 बजे से 9 बजे आप आ जाते हैं और रात के 9 बजे तक ये सारी प्रिपरेशन सुबह से शुरू हो जाती है। जैसे ग्राहक की रिक्वायरमेंट रहती है। अच्छा, फाफड़ा आप तुरंत गरम गरम बनाते हैं? ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आधा घंटा एक घंटा पुराना मिलता है। ओके, उसके ऊपर फ्रेश रहता है, फ्रेश फाफड़ा रहता है, तुरंत तला जाता है, तुरंत सर्व किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या है? हमारे पास जलेबी मिल जाएगी, खांडवी मिल जाएगी। खांडवी नागपुर में बहुत कम रेट है। खांडवी इज माई पर्सनल फेवरेट, मुझे बहुत बेहद पसंद है। हाँ भैया, ये नई नागपुर वासियों के लिए एकदम नई डिश है जो यानी कहीं पर भी नहीं मिलेगी और हटके है और टेस्टी। ये कोकोनट पैटिस इसके अंदर किस चीज़ की फिलिंग है? ऊपर में आलू है, अंदर में कोपरा के सिंगदाना, धनिया। अच्छा। और कुछ गुजराती मसाले जो डालते हैं। ओके, ये सारी चीज़ों को भी हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ, ये है फाफड़ा, ये जेठालाल ही होगा। जेठालाल के साथ ये दया जी है। अरे वाह, खांडवी को दया जी। अच्छा, एकदम नरम है ना, नेचर से एकदम नरम। बबीता जी तो मीठी होनी ही है भैया, जेठालाल जी के लिए रहेगी रहेगी। मतलब बबीता जी का नाम आते ही जेठा भैया जैसे फिसल जाते हैं
वैसे ये जलेबी है, तारक मेहता का नाम है। अच्छा, ये चीजें एक बार खाओगे ना हाँ। तो यानी आप ये नहीं बोल सकते कि मजा नहीं है। अच्छा, भले बोलोगे सो सो परम मित्र उनके, अच्छा ही लगेगा, अच्छा ही लगेगा पर कैसा, कोई मतलब निगेटिव कोई नहीं रहेगा, बहुत अच्छा, या तो बहुत अच्छा अच्छा या ठीक ठीक, कोई ये नहीं बोलेगा खराब लगा, मजा नहीं आया। हाँ, तो तारक मेहता भी वैसे ही शख्स है। हाँ, बस बस बस, उनका नेचर बहुत। तो एक बार फिर हमारे सामने भी बन जाता है फाफड़ा। और पापड़ खाने में बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, रेट डिफरेंस। और जलेबी भी आप इन हाउस बनाते हैं? नहीं, उसके लिए कारागिर रखा, कारागिर रखा हुआ है। हाँ, सही बात है। फाफड़ा जलेबी का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, मतलब इफ़ यू आर क्रेविंग फॉर फाफड़ा एंड जलेबी एंड इफ़ यू आर मिसिंग जेठालाल, तो जेठालाल घर पे तो दिन भर चलता रहता है, मेरे यहाँ तो दिन भर चलता है जेठालाल, दिन भर। मतलब मैं रहूं ऑफिस में या फिर घर पे रहूं, जब घर जाती हूं तो टीवी पे जेठालाल ही चलता रहता है। और अब तो दया बेन को बड़ा मिस कर रहे हैं, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं करते, हमको जेठालाल ही ज्यादा। अच्छा, आप जेठालाल के मारे तो सब करता हूं मैं। बस मतलब जेठालाल अकेले भी चलाएंगे ना शो तो चल जाएगा। बस कल एक कमेंट भी किया था मैंने, 1000 एपिसोड का वो दिया था, तो मैंने उसके पीछे बोला 10000 भी रहेगा तो मैं देखूंगा। रिंगटोन भी वही बज रही है, मुझे तो लगा जेठालाल का फोन बज गया। फुल ऑन, ही इज अ बिग फैन, ही इज अ बिग फैन। ये देखिए क्या बात है, मतलब ये वहाँ तक पहुँचा दो। और मैं तो चाहूँगी कि वो स्पेशली यहाँ फाफड़ा जलेबी खाने के लिए नागपुर आए, किसी चीज़ के लिए आए ना आए, प्रमोशन के लिए आए ना आए, बट इनसे मिलने तो ज़रूर आए। 40 साल इज अ बिग जर्नी मैन। यूजुअली मैंने देखा है कि फाफड़ा जो होता है वो बन के रेडी होता है और वो बाद में सर्व किया जाता है, बट यहाँ पर आपको फ्रेश मिलता है। ये यहाँ की USP है कि आपको फ्रेश मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हुआ होगा लेकिन वो फ्रेश है, आपके सामने बन रहा है और आपको सर्व किया जा रहा है। हम लोग बल्क में नहीं रखते, जैसे ग्राहक के रिक्वायरमेंट रहे ना उस हिसाब से, अगर किसी को आधा 1 किलो चाहिए तो तुरंत ही बना के। ओके ओके, आप ऐसे ऑर्डर्स भी लेते होंगे ना? यही ओके, बाहर जाने के लिए सब्जी नहीं। तो मैं आज आई हूँ इतवारी धारस्कर गली और मैंने आपको मिलाया जेठालाल के बहुत बड़े फैन से, लेकिन उनके पहले से इस स्टॉल को जो चला रहा है वो है दादी और दादाजी थे जो चलाते थे। दादी कितना समय का, 40 साल बोल रहे हैं, 40 साल से अभी जेठालाल के लिए इतना फाफड़ा जलेबी कितना पसंद करते हैं लोग यहाँ के? जेठालाल नहीं थे तो भी पसंद करते थे, है ना? लेकिन जेठालाल ने जब से फाफड़ा जलेबी का प्रमोशन किया है, जेठालाल बोलता है फाफड़ा जलेबी के अलावा उसको कुछ पसंद ही नहीं नाश्ते में, है ना? और दे दिया तो खुश। आप देखते नहीं देखते जेठालाल के शोज घर पे? देखते ना। हाँ, क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा जेठालाल के इसमें? जेठालाल पसंद है कि दया बेन? मेरे को तो एक भी सीरियल नहीं अच्छा रहता, मेरे में भगवान को लेकर बैठ जाती हूँ। अच्छा, उसमें तो अच्छा नहीं आता मैं वो जो। लेकिन जब कभी देखते हो कि आपको जेठालाल पसंद है कि दया बेन, ये तो जानना जरूरी है। हमको तो दादी पसंद है, हमको जेठालाल तो पसंद ही है, दया बेन भी पसंद है, जेठालाल के साथ पूरी गोकुल धाम भी पसंद है, लेकिन ये जो है दादी, ये बड़ी कमाल की दादी है, 75 साल की उम्र से ज़्यादा है उनकी, और उसके साथ वो यहाँ पर अपने बेटे को पूरा पूरा सपोर्ट करती हैं और पूरे दिल फाफड़ा जलेबी खांडवी
और उसके साथ पैटिस जो है यहाँ पर, यहाँ की एक नई चीज़ है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो भी मैं टेस्ट करने वाली हूँ। कैसी हैं सारी चीज़ें जानने के लिए डू नॉट गो एनीवेयर, डू ट्यून टू नागपुर फूड नामा मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। वॉचिंग नागपुर फूड नामा मेरे यानी मीनाक्षी के साथ, और आज हम लोग आए हैं नागपुर के सबसे बड़े जेठालाल फैन के पास और जलेबी फावड़ा खाने के लिए। इनके नाम का जलेबी फावड़ा नागपुर में फेमस है, और इतवारी एक ऐसा मार्केट है, सेंट्रल मार्केट, जहां पर शॉपिंग के लिए आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप आ रहे हैं और अगर नहीं भी हैं, अगर कोई दूसरे कॉर्नर पर भी रहते हैं, तो यहाँ आके जरूर खाइए। मेरा टाइम हो चुका है, मैं आज आप मेरे को प्लेटर क्या क्या सर्व करने वाले, ये हमने नारियल कोकोनट पैटिस है, एक ही जगह मिलेगी रामा। इसे आप डबल फ्राई कर रहे हो? ओके। पर इसकी बनावटी वैसे कि जब मैं निकाल के आपको बताऊंगा, हाँ, एक परसेंट भी अगर तेल निकल जाए तो चैलेंज है, उस पर तेल नहीं रहेगा। ओके। ये कोकोनट पैटिस यहाँ नया है और यहाँ पर ही आपको मिलेगा, और ये स्वाद इसका बहुत अच्छा है, मैंने सुना है, बट मैं आज इसे टेस्ट करके आपको बताऊँगी कि ये एक्चुअली में कैसा है। क्या पर प्लेट बेचते हैं आप वैसे? ये 20 रुपीज़ पीस आता है। अच्छा, और पापड़ा का क्या प्राइस? 20 रुपीज़ प्लेट आता है। प्लेट आता है, जलेबी 20 रुपए की आती है, मिनिमम 20 रुपए का एक पॉकेट फ्रेंडली। हाँ, मतलब शॉपिंग करते करते आप एकदम पॉकेट फ्रेंडली रेट में नाश्ता कर सकते हैं और आपका पेट भी भर जाएगा। रोज़ टीवी पे देखती हूँ जलेबी फाफड़ा, बहुत कम खाती हूँ, बट आज जब खाना था मुझे जलेबी फाफड़ा, तो मैंने सोच रखा था कि मैं आऊँगी तो भैया के पास ही आऊँगी और यहीं से जलेबी फाफड़ा खा के जाऊँगी। और रिसेंटली आपको पता है, रिसेंटली इनका ये जो इतने टाइम का जो इतनी मेहनत है ना, कि जेठालाल की फ़ैन फॉलोइंग है, ये हमेशा ही टी शर्ट भी जेठालाल की, कितनी टी शर्ट्स हैं भैया आपके पास? 8-10 टी शर्ट्स हैं, मास्क भी जेठालाल का ही बनाया हुआ है इन्होंने, और भी था वो भी आज। हाँ, लिखा क्या है टी शर्ट पे? रामानुज नहीं, फाफड़ा खाऊंगा, कब खाऊंगा पूर्ववासियों के लिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जेठालाल जी से कि आपने यहाँ आके, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने वीडियो कॉल पे भी बात की, आपने रिसेंटली उनसे बात की, सफल हो गया? बिल्कुल। बस अब मिलना बाकी है, अब मिले नहीं मिले वो फिर भागे, वो भी चलेगा है ना। अभी रिसेंटली इतना है कि वो फेस टू फेस मुझे पहचानते हैं, ये मेरी बस कितनी बड़ी चीज़ है। उन्होंने वीडियो कॉल पे उनसे बात की, क्योंकि इनका वीडियो इतना वायरल हुआ और वो वहाँ जा पहुँचा, जो ये सच में एक होता ना, एक फैन चाहता है कि वो अपने आइडल तक पहुँच पाए, तो वो वीडियो कॉल के थ्रू पॉसिबल हो पाया। आज मैं कोकोनट पैटिस से वो टेस्ट करूँगी, फाफड़ा तो टेस्ट करना बनता है जलेबी के साथ। बबीता जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो जलेबी के थ्रू। ये देखिए तेल में दिखाना चाहूँगी, ये तेल जो डबल फ्राई करने के बाद भी, देखिए कहीं दया का फोन तो नहीं आया, दया का ही फोन आया है इनको, इनकी दया, आई मीन इनकी दया। इसमें क्या क्या फिलिंग में है? खोपरा किसे सिंघाना है, पूरा बारीक किया हुआ है। अच्छा, एकदम से पता नहीं चलेगा, हमको बताना पड़ता है। और ऊपर में आलू की फिलिंग। अच्छा, और इसको किसके साथ सर्व करते हो? इसमें चटनी आएगी आपको, चटनी की, चटनी सिंघाने की चटनी। ओके, खान भी तो बड़ी बड़ी अच्छी लगती है, कम जगह मिलेगी और अपने वहाँ 3 टाइम बनती है। हाँ, हमेशा फ्रेश मिलेगी, फ्रेश मिलेगी, जैसे ये खत्म हो गई है अभी। हाँ, फिर से आएगा, फिर 5 बजे आएगा। अरे वाह, 3 बजे मिलेगी, तो सब बैलेंस भी बिकता है ना, सब ज़्यादा पसंद करते हैं, सबके अपने अपने वो लायक है, जिसको खांडवी पसंद है वो बहुत खांडवी खाता है, जिसको ये पसंद है वो खाता है। यार आपको एक स्टॉल पे खांडवी मिल रही है, वो भी फ्रेशली मेड, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए नाश्ते के लिए? दैट सो मच इनफ।
जो मेरी जो यहाँ के जो स्पेशलिटीज है उसकी एक प्लेटर बन रही है। एक चूड़ा बल्ली है। अच्छा ये किस चीज का है? उड़द दाल और बेसन का है। अच्छा नागपुर में यानी जो रियल टेस्ट गुजरात का है। हाँ, गुजरात का। ओके। इतना अभी तक के हम ही दे पा रहे हैं। अरे वाह, बाकी लोग बनाते पर इसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग करके सिर्फ नाम वो दे दिए और अंदर कुछ और निकलता है। दिल्ली बाजार है। ओके। इसके मसाले आते हैं। सारी गुज्जू स्पेशलिटी, सारी गुज्जू की क्यूजीन्स जो है जिसके नाम से जाना जाता है वो आज मैं टेस्ट करने आई हूँ, और वो भी एक स्ट्रीट कियोस्क पे। इज यू आर गेटिंग फ्रेशली मेड और वो भी पॉकेट फ्रेंडली। 40 साल से इसीलिए टिके हैं कि ओरिजिनल जो टेस्ट है और वही टेस्ट बना हुआ है। हींग मसाला है। अच्छा ये इसके साथ सर्व कर रहे हो। ये पपड़ी से महंगा मसाला आता है इसका। अच्छा हींग मसाला गुजराती में हींग बहुत यूज होता है ना भैया? दाल वगैरह में हींग में यूज होता है ना? क्यों यूज करते हैं? डाइजेशन के लिए, उसी के लिए यूज। हाँ, ये जैसे बेसन थोड़ा हार्ड रहता है ना। हाँ, तो उसको पूरा गला देता है। ओके। बबीता जी हाथी जी को देना बहुत जरूरी है। हाथी तो हाथी डॉक्टर हाथी भी है हमारे पास। वो क्या खास है मैं आपको बताती हूँ। दिस इज अ पपीता सैलेड का ना, पपीता के संबारा बोलते हैं इसको। संबारा। अच्छा ये पापड़े की जान। इसमें जो सबसे ज्यादा चिक चिक करता है वो कहाँ है? सब कैंसिल जो करता है उसको तो लाना बन जाए। हर चीज कैंसिल करने में बड़ा शौक है। आगे पोपटलाल जी, अगर ये ज्यादा खाओ ना तो फिर दुनिया ही हिल जाती है। दुनिया सच में हिल जाएगी। मैंने तो नहीं खाना है। ये जो है एज यू कैन सी आई हैव द परफेक्ट गुजराती प्लेटर विथ मी एंड एज यू कैन सी यहाँ पर आपको सब कुछ है एक ही जगह पे। यस, रामानुज फाफड़ा वाला गुजरात स्पेशल एंड द परफेक्ट गुजराती प्लेटर इज राइट हियर विथ मी। यहाँ पर क्या नहीं है गाइज, मतलब जब आप गुजरात का नाम लेते हैं तो आपको फाफड़ा याद आता है, आपको जलेबी याद आती है, आपको ये जो स्पेशलिटी उन्होंने बताई। एंड इसके बाद दिस इज़ पपाया की पपाया सैलेड, दिस इज़ खांडवी जो कि बहुत लोगों को बहुत पसंद है, दिस इज़ समथिंग न्यू कोकोनट पैटिस जो यहाँ की बताई इन्होंने। तो सब कुछ है, जेठालाल फैन सब कुछ दे रहा है। पोपटलाल के नाम पर मिर्ची जिसे वो आप ज़्यादा खाओगे तो आपकी दुनिया तो डेफिनेटली हिल जाएगी। उसके बाद बबीता जी को हम लास्ट मंगाएंगे क्योंकि जब बबीता जी की बात आती है तो जेठालाल भी, समझ रहे हो? तो चलिए शुरुआत कहाँ से करेंगे? फाफड़ा से। फाफड़ा यहाँ पर एकदम फ्रेशली मेड है, मेरे सामने बनाए हैं और वो आधे आधे घंटे में बनता रहता है। नाइस, दैट फ्रेशनेस इज देयर, बहुत अच्छा स्वाद है। और मुझे यहाँ के फावड़े में कुछ एक अलग चीज़ ये लगी, यूजुअली जो मैंने फावड़ा खाया उसमें सोडा का फ्लेवर बहुत आता है। वो सोडा ना खाने में बहुत तेज़ लगता है और वो ज़्यादा खा नहीं पाते, उसके वजह से पेट गड़बड़ हो जाएगा ना। बट यहाँ के फावड़े में बिल्कुल भी सोडा जो है वो नहीं है, वो यूज़ ही नहीं करते। दिस इज समथिंग न्यू। वाओ, ये तो बहुत प्यारा है। एंड खांडवी विच इज माई फेवरेट। वाओ, कितनी सॉफ्ट है खांडवी जैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट, उतनी सॉफ्ट है और फ्रेश है, एकदम फ्रेश है। अब ये जो भैया ने कहा ये यहाँ पर मिलता है और कहीं नहीं मिलता है तो ये ट्राई करती हूँ। ऑसम है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। जैसे आपने देखा कि डबल फ्राई हुई, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बहुत बेहतरीन स्वाद है, बहुत फ्रेशनेस है और बहुत सही है। आप एक बार ज़रूर आके देखिएगा, आपको सच में बहुत पसंद आएगा। एंड स्पेशली फाफड़ा अगर बहुत पसंद करते हैं और नहीं खा पाते सोडा की वजह से तो डू ट्राई रामानुज का फाफड़ा, बिकॉज यहाँ का फाफड़ा इज जस्ट ऑसम।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज एपिसोड रामानुज पापड़ा वाला, जो कि हैं जेठालाल के बहुत बड़े फ़ैन, मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पूरी गोकुलधाम हमें इतना हंसाती है, इतना एंटरटेन करती है। एंड रिसेंटली जो भावेश भैया, उन्होंने जेठालाल से बात भी की, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जेठालाल को कि प्लीज़ एक बार इनसे मिलकर यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड, फिर मिलेंगे किसी और गली गली, किसी और चौराहे पे, किसी और नए स्वाद को ढूंढने के लिए। तब देख दीजिएगा इजाज़त।